हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं, जो कल इंट्राडे में आप लोगों को जोरदार परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। तो प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू दोस्तों ये दोनों ही स्टॉक आप लोगों को अपडेट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज से भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और अपडेट देना चाहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर जाइएगा दोस्तों, उस चैनल पर को विजिट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वीकेंड पे आप लोगों के लिए टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो आते हैं, जो आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मार्केट अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मार्केट है वो लगभग आज भी हल्की सी तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है 16,282 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, उसी के साथ साथ देखेंगे 22 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 28 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से टॉप गेनर की लिस्ट चेक कर सकते हो और साथ में टॉप लूजर की लिस्ट भी देख के चल सकते हो। इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो आप लोगों को कल की डेट में जोरदार परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। तो चलिए, जो फर्स्ट स्टॉक है अपन उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेटल सेक्टर का दिग्गज स्टॉक जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। आज इस स्टॉक में हमें 6% की तेजी देखने को मिली है। 134.95 रुपये पर स्टॉक क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 127.25 रुपये। स्टॉक ओपन होता है दोस्तों 130.20 रुपये, काफ़ी अच्छा बड़ा गैप अप ओपनिंग लेता है। हाई लगाता है 135.25 रुपये और लो लगाता है 127.60 रुपये। देखा जाए तो स्टॉक में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिला। ट्रेड वॉल्यूम अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 8,34,00,000 क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिला है। साथ में अगर आप देखेंगे 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो स्टॉक है उसका आप मतलब डिलीवरी पैटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट 27% है। क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 2,23,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में डिलीवरी भी उठी है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अब इसके टेक्निकल व्यू पे चलते हैं, क्या मोमेंटम मिलेगा कल के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सेल का चार्ट पैटर्न हमने आप लोगों के सामने ओपन किया है। 15 मिनट का कैंडल चार्ट है। 10 तारीख और 11 तारीख ये दोनों ही चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो हमें इस चार्ट पे भी देखने को मिलेंगे, इस चार्ट पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो फॉल आया था, जब मार्केट में भी फॉल आया था, ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए तो ट्रेडिंग के साथ थोड़ा सस्टेनेबल वाला लेवल बना था। सस्टेनेबल वाला मतलब दोस्तों, मैंने आप लोगों को हर वीडियो में अपडेट किया है कि सस्टेनेबल वाला ब्रेकआउट कितना जोरदार रहता है और बिना सस्टेनेबल वाला जो ब्रेकआउट रहता है या ब्रेकडाउन रहता है वो फेक रहता है। ठीक है, मार्केट 12 बज रही हो या 12 बजे के बाद, ठीक है, मान लीजिए ये सस्टेन हो रहा है, ब्रेकआउट का लेवल सस्टेन हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट के आसपास मार्केट सस्टेन हो रहा है, 12 बजने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होता है और स्टॉक में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है। सेम यही कंडीशन दोस्तों हमें ब्रेकडाउन में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही देखने को आपको मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल को पूरा सस्टेन किया मार्केट ने, ठीक है, पूरा सस्टेन किया। कब? 10 तारीख को, मतलब कल की डेट में। ठीक है, जैसे ही दोस्तों 12 बजती है, यहाँ पर आप देखिए 12 बजे के बाद 1 भी बजती है, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी देर दोस्तों उस लेवल को सस्टेन किया, मतलब ये लेवल को, और यहाँ पर ब्रेकडाउन दे देता है। ठीक है, यहाँ पर होता तो यहाँ पर वो थोड़ा ऊपर नीचे होता और ब्रेकआउट ऊपर दे देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पर एक कन्फर्मेशन तो मिल गया था कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर होने वाला है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी सेल करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि छोटा स्टॉक है, क्वांटिटी ज़्यादा बिल्ड करते हैं, छोटा टारगेट रखते तो आप प्रॉफिट बहुत अच्छा निकाल लेते। कोई दिक्कत नहीं, कल की बात गई। ठीक है, अब यहाँ पर मोमेंटम बाय साइड का था, बाय साइड के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाय साइड का यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। मार्केट हाउस बंद होते होते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा, क्योंकि मेटल सेक्टर वैसे ही हाई पे था, ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ, गैप अप ओपनिंग लिया। और वैसे भी मैंने आप लोगों को और भी वीडियो में अपडेट किया है कि दोस्तों, मार्केट हो, स्टॉक हो या कोई सा भी इंडेक्स हो, अगर उसने गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग लिया है तो उसको वो जरूर फील करने आता है। तो यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग लिया, ठीक है, उसको डेफिनेटली यहाँ पर फील करने आया। कब तक? लगभग 10:30 बजे तक फील किया, यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया, ठीक है, ये जो रजिस्टेंस था यहाँ पर, उसको यहाँ पर सपोर्ट का ओहदा दिया
उसको रिएक्ट करवाया। उसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक में फिर अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी देखने को मिली तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो ये सपोर्ट से स्टॉक ने रिवर्सल लिया। ये जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था ये यहाँ पर आके ब्रेक हुआ, मतलब फिर वही 12 बजे के बाद, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। स्टॉक ने अच्छी खासी कंडीशन के साथ तेज़ी दिखाई। तेज़ी दिखाने के बाद दोस्तों ये जो लेवल थे यहाँ पर थोड़ा सा के उसने डामाडोल किया। डामाडोल किया मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत बार यहाँ पर क्या किया था, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं जा पाया और आखिरकार स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो सेम वही देखिए, ये पैटर्न यहाँ पर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं स्टॉक में एक बार फिर से गिरावट ना आ जाए, लेकिन दोस्तों मेटल सेक्टर का स्टॉक था, दूसरा कोई स्टॉक तो होता तो गिर जाता लेकिन मेटल सेक्टर का स्टॉक था तो क्यों, क्योंकि मेटल सेक्टर में वैसे ही काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था और उसने एक छोटा सा रिवर्सल दिया और उसी लेवल पर क्लोज हुआ। तो हम एक पोजिशन बनाने वाले हैं दोस्तों कि कल की डेट में अगर इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलती है, ठीक है, तो हम स्टॉक को एक रिवर्सल पैटर्न के साथ बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि मोमेंटम बहुत ही एकदम अलग देखने को मिल रहा है सेल में। तो चलिए लेवल्स अपडेट कर देता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो इन चीज़ों को नोट डाउन करके चलिएगा दोस्तों, जो आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल को भी काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। तो कल की डेट में जब हम स्टॉक को बाय करेंगे तो दोस्तों 136 ये लेवल से बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉक है। हम दोस्तों 139 मतलब हम आराम से 3 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे जो हमारे लिए बहुत होने वाला है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा बिल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रहने वाला है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ ही है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उस पर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। और SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL लेके चलिएगा 134.50 मतलब 134.50 रुपये, मतलब 1.5 पॉइंट का आपका यहाँ पर SL होने वाला है और 3 पॉइंट का आपका टारगेट होने वाला है। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, इसको कल की डेट में बाय करके चलना है। अब चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों सेकेंड स्टॉक है बर्जर पेंट लिमिटेड, ठीक है, इस स्टॉक में आज हमें 1% की तेजी देखने को मिली, ठीक है, 819.60 रुपये पे क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज 811 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 812.30 रुपये, हाई लगाता है 822 रुपये और लो लगाता है दोस्तों 799.15 रुपये। देखा जाए तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला। उसी के साथ साथ आप देखेंगे ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर तो करीबन 7 लाख क्वान्टिटी का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिसके साथ ही आप 52 बिक का हाई 52 बिक का लो देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आज का डिलीवरी पैटर्न लगभग 23.67% का क्वांटिटी देखेंगे तो 1,67,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है, मतलब देखा जाए तो मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दोस्तों बर्जर पेंट का इंट्राडे का। अब इसके भी टेक्निकल व्यू पे चलते हैं, क्या मोमेंटम मिलेगा ये देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बर्जर पेंट का स्टॉक आप लोगों के सामने ओपन किया है, उसका चार्ट पैटर्न 15 मिनट का कैंडल चार्ट है। अब इस स्टॉक को हमने इसलिए सिलेक्ट किया है दोस्तों, सेल दोस्तों जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न बना रहा था सेम उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न ये भी बना रहा है। यहाँ पर देखिए फॉल आता है, ये पूरा क्या करता है यहाँ पर सस्टेन करता है उस लेवल को, ठीक है, ये मतलब ये ब्रेकडाउन का लेवल रहता है और ये ब्रेकआउट का लेवल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन थी जो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी समझाया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही सेल के चार्ट पे सेम वही देखिए, यहाँ पर फॉल आता है, फॉल आने के बाद अगर बात करते हैं तो वापस रिकवरी होती है और वही लेवल पे क्लोज होता है। और आज की डेट में भी फिर फॉल आता है, क्यों आता है, क्योंकि कल फॉल नहीं आ पाता लेकिन सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कल की डेट में बड़ा सा फॉल आ गया था, ठीक है, बाइंग हुआ छोटा सा फॉल आया लेकिन बायर साथ में गए हुए थे तो स्टॉक ने इसके लिए बड़ा सा गैप अपनी लिया, लेकिन इस स्टॉक ने क्या किया, कल ही बाजी बाबी से प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स क्या हो गए थे, वापिस हावी हो गए थे और आज के दिन उन्होंने प्रॉफिट बुक यहाँ पर फिर कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर देखें तो ये एक सपोर्ट बना लिया था, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनते रहा, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बाय होता है सेल होता है, मतलब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश स्टॉक ने नहीं की। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में यहाँ से गिरावट हुई बहुत बड़ी, ये गिरावट को थोड़ा सा तो रिकवर करना था, रिकवर करना मुश्किल था लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे दम दिखा के जो इम्पोर्टेंस लेवल थे दोस्तों यहाँ तक के उसने ब्रेक किए, फिर ये जो लेवल थे ये ब्रेक किए और एक अच्छी खासी कंडीशन में जैसे जाके स्टॉक यहाँ पर क्लोज हुआ। तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट थिंकिंग ये हो जाती है कि जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है बहुत ही स्मूथली और बहुत ही क्लियर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लेवल था दोस्तों वो क्रॉस हो गया, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सेम वही लेवल पर कितनी बार स्टॉक सस्टेन किया, यही लेवल पर फिर स्टॉक यहाँ गिरा, ठीक है, आप देख सकते हो
यहाँ पर सपोर्ट बनाया, स्टॉक ऊपर जाने में थोड़ी सी मशक्कत कर रहा था और यही लेवल पे आके स्टॉक में क्या देखने को मिला, एक बार फिर से फ्लैटनेस देखने को मिली। सेम वही कंडीशन दोस्तों हमें सेल में भी देखने को मिली थी। वही लेवल पे आने के बाद स्टॉक ने फिर छोटा सा फ्लैट बनाने के बाद फिर ऊपर गया, तो उसी के माध्यम से हमने स्टॉक को बाय करा था, इसी के माध्यम से हम स्टॉक को बाय करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए लेवल्स अपडेट कर देता हूँ। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों बर्जर पेंट लिमिटेड का जो लेवल्स है वो नोट डाउन करिएगा। जब कल की डेट में हम स्टॉक को बाय करेंगे तो लगभग 822 रुपये के लेवल से बाय करने वाले हैं। टारगेट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो 829 रुपये, मतलब आप इजीली तरीके से 7 पॉइंट का टारगेट लेके चलेगा। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया ही हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू सभी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो जाइएगा फटाक से वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को SL की बात करता हूँ तो इसका जो SL रहेगा वो दोस्तों आप लोगों के लिए रहेगा 1818, मतलब 4 पॉइंट का SL है और 7 पॉइंट का टारगेट है। बर्जर पेंट और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, ये दो बेहतरीन टिप्स है जो आप लोगों को कल इंट्राडे में जोरदार परफॉर्मेंस करके देने वाली है। इन दोनों ही स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर पूछना है, नहीं समझ में आती हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, अपनी भी स्टडी करिए, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर है उनसे भी कंसल्ट करिए, देन उसके बाद ही जाके इसमें प्रॉपर पोजिशन बना के कल इंट्राडे में काम करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रॉफिट गुरु की चैनल का जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों।